धुंध के हर जानिब डेरे सड़कों पर निकलना नामुमकिन हो गया। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M5 पर मुल्तान से ऊंट शरीफ तक ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। M2 और M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 पर भी मुल्तान से फैसलाबाद तक सफर पर आरजी पाबंदी आयद कर दी गई। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग का आगाज। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए कल पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं, हमारी पेटिशन तैयार है, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे कि फैसला कल अदम करार देकर इंतखाबी निशान दिलाया जाए। कोशिश होगी पेटिशन कल की समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने दो रोज पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया था। और आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नैब ने नवाज शरीफ मरियम नवाज समेत लीगी उम्मीदवारों को क्लियर करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, शेख रशीद, निसार खड़ो, शर्जील इनाम मेमन, आगा सिराज दुरानी, कादिर मंदोखेल इंतखाबात के लिए अहल करार। शाजिया मरीज, शर्मिला फारूकी के कागजात नामजदगी मंजूर। MQM ने PTI के हलीम आदल शेख और दीगर उम्मीदवारों पर एतराजात दायर कर दिए।